बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। ऑस्ट्रेलिया में अभी स्पेन में हूँ, जय भीम नमो बुद्धाय। और मैंने हेडिंग दिया है कि गाय भारत की माता है और ऑस्ट्रेलिया में देखो कौन खाता है। तो यही बताने के लिए मैं आज यहाँ पर लाइव आया हूँ। मैं दरअसल आज कोई मीटिंग नहीं है इसलिए मैं अपने फॉर्मल्स में नहीं हूँ। तो आइए दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गाय को कौन खाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक फ्रेंचाइजी है जो अच्छे बीफ, पॉर्क, चिकन, लैम्ब और ये सारा मिलता है। इसका नाम है ब्राह्मण पाइस। तो जो भारत में ब्राह्मण उद्रेक कर रहे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को मारना नहीं चाहिए, गाय को खाना नहीं चाहिए, यहाँ पर वही ब्राह्मण उसी गाय को काट कर यहाँ का फेमस ब्रांड है ब्राह्मण पाइस। और ये सिर्फ एक छोटा सा आउटलेट है, ये मेन दुकान नहीं है। हम रास्ते से जा रहे थे तब ये हमारे सर जी ने, सत्येंद्र टीनू जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर तो ब्राह्मणों के बीफ के दुकान है, यहाँ पर तो ब्राह्मण गाय काट कर खाते हैं। तो मैं आपसे टीनू जी को मिलाना चाहता हूँ और उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में ऑस्ट्रेलिया में ब्राह्मण यहाँ पर गाय काट कर खाता है। आइए जानते हैं। सर है यहाँ के ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में रहते हैं और सत्विंदर टीनू जी इनका नाम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या ये सही में ये जो ब्राह्मण पाइस लिखा है, क्या सही में यहाँ पर गाय का मीट मिलता है? जय भीम सर, सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय। जय भीम। ये जो ब्राह्मण पाइस है ये वेरी फेमस, जैसे आपने लिखा ही, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा है ब्राह्मण सीरियसली गुड पाइस। सो इसमें जो फोटो बनी है वो भी बुल्की है, इनकी एक स्टेक पाई होती है जी, जो स्टेक पाई इतनी फेमस है। एक इनकी करी पाई है, वो अच्छा। सारी बीफ की है। अच्छा, तो मेरे पास एक फ्रेंड है यहाँ पे, वॉजी है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि स्टेक लेना है, तो मैंने कहा स्टेक तो अच्छा कैसीनो में मिलेगा वहाँ पे, कहते नहीं नहीं स्टेक पाई इधर, तो हम इप्सविच के पास थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अच्छी पाई मिलती है। मैंने कहा, कहते ब्राह्मण पाइस, जैसे आप वो देख सकते हैं वो सारा जी, लिखा है जी। तो जब हमने मैंने कहा ब्राह्मण पाइस, इट वाज जस्ट शॉकिंग फॉर मी। तो जब जाके देखा तो वहाँ पे प्यूमा का आउटलेट है और उसमें स्टोर है ब्राह्मण पाइस का, तो ब्राह्मण पाइस का ट्रक भी था। तो मैंने उनसे भी बात की, कहते हाँ हम बीफ क्या है ये सारे सप्लाई करते हैं। ओ, तो ये बीफ की पाई ये खुद बनाते हैं, जहाँ नहीं बनाते यहीं कहीं से लेके आते हैं, लेकिन इट्स द बीफ का बिजनेस ये काफ़ी बड़ा है इसका। देखो इनका लोगो भी है, गाय का सर काट के इन्होंने यहाँ पर बनाया है। तो ये अब एक बजे के बाद ये बंद हो जाता है, तो ये इस तरह से ब्राह्मण पाइस यहाँ पर मिलती है। तो भारत के जो लोग गाय को माता बना रहे हैं और मुसलमानों को पीटने का काम कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के ब्राह्मण क्या भारत के गाय को माता नहीं मानते? तो ये सब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाइव आया था कि, और ये सारा ब्राह्मण पाइस का एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी यहाँ पर चलता है जो ब्राह्मण गाय को माता बताने का काम कर रहा है, वही ब्राह्मण यहाँ पर भारत के बाहर बीफ को एक्सपोर्ट करके उनकी यहाँ पर फ्रेंचाइजी चलती है। ये फ्रेंचाइजी यहाँ पर चलाकर गाय से उत्पन्न करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये केटरिंग भी करते हैं सर। हाँ, तो किसी को घर पे अपने करवाना हो तो वो भी करेंगे, आपके अच्छा। फंक्शन है तो इसमें तो यही कहना होगा जो इंडिया में गाय है वो माता है तो ये सौतेली माता है। हाँ, तो बात तो यही हुई ना साहब। जी जी, देखो मुझे रविश कुमार जी की एक बात याद आ रही है।
रविश कुमार जी कहते हैं कि गाय जो है पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में दूध देने का काम करती है, गाय जो है वो मीट देने का काम करती है, गोबर देने का काम करती है, लेकिन भारत की जो गाय है वो वोट देने का काम करती है, और इसलिए भारत के गाय को माता बनाकर उसके नाम पर मोदी जी आज प्रधानमंत्री बन गए, अमित शाह होम मिनिस्टर बन गए, और इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि सही में क्या किसी पशु को माता बनाकर क्या हम लोग ऐसे कल्चर में रह सकते हैं। तो ये जो लोग गाय को माता समझते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि भारत के सिग्नल्स पर, अलग अलग सिग्नल्स पर आपकी माताएं बैठी रहती हैं, उनको जरा कपड़े वगैरह बना कर घर लेकर जाओ। ऐसे खुले में आपकी माँ को अगर आप बाजार में लेकर जाओगे तो लोग आप ही लोगों को गालियाँ देंगे। तो अपनी माँ को जो भारत में बिना कपड़े के घूम रही है, तो उनको थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहनाओ। और यहाँ पर भारत के बाहर आप ही लोगों के ये जो ब्राह्मण पाइस है, ब्राह्मण उसी माता को काट रहे हैं, तो ये दोगली नीति पूरे विश्व में आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो ये आज मैं एक जानकारी देने के लिए आपके यहाँ आया था कि जो ब्राह्मण भारत में गाय को माता बनाता है, वही ब्राह्मण ऑस्ट्रेलिया में उसको खाता है। तो यही आज का मेरा ये एक विषय था कि गाय भारत में माता है और वही गाय ब्राह्मण यहाँ पर खाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।